जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज आपको महेंद्री यक्षिणी के विषय में बताएंगे। महेंद्री यक्षिणी बहुत ही पावरफुल होती है और अगर साधक सिद्ध करता है तो समझ लीजिए पृथ्वी का राजा ही होता है। शास्त्रों में इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, कभी अलग से इसके विषय में एक वीडियो हम बनाएंगे। परंतु आज इसका विधान और मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि महेंद्री यक्षिणी को कैसे आप सिद्ध करोगे और सिद्ध करने के बाद इससे आप क्या लाभ ले सकते हो। तो पताल से नाना पदार्थ के फल फूल लाकर के यह यक्षिणी देती है। धरती का गड़ा खजाना भी साधक को बता देती है यह यक्षिणी सिद्ध होने के बाद। इस यक्षिणी की सिद्धि के लिए बताया गया शास्त्रों में, जब आकाश में मेघ दिखाई दे, यानी जब बरसात का महीना हो, बसंत ऋतु हो, जब आकाश में काले काले बादल हो, मेघ दिखाई दे, या इंद्रधनुष देखते होंगे, जब कभी मौसम एकदम घटा बन जब छा जाती है तो उस समय एक लाइन पड़ती है आकाशमंडल में, वो सात रंग की लाइनें होती हैं, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। जब ऐसा वातावरण हो उसी समय से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तैयारी तो बहुत पहले से ही करनी चाहिए यक्षिणी की सिद्धि के लिए। और उसी समय से निर्गुंडी वृक्ष के नीचे जा करके सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र रहेगा, सफ़ेद आसन रहेगा और सफ़ेद माला ही रहेगा। माला आप जनतों किसको माला आप समझ लीजिए, आप सफ़ेद माला ले सकते हैं अस्फटिक की। अस्फटिक की जो मालाएं होती हैं वह सफ़ेद होती हैं। अस्फटिक की माला पर ही जो है इस मंत्र का आप जप करोगे। कितना जप करोगे? पूरे 1,00,000 जप करोगे, 1,00,000 मंत्र करोगे। मंत्र आप जाइए निर्गुंडी वृक्ष के नीचे, आप आसन को वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए, बैठिए और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम महेंद्र कुलकुल स्वाहा, ओम ह्रीम महेंद्र कुलकुल स्वाहा, ये मंत्र है ओम ह्रीम महेंद्र कुलकुल स्वाहा। मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। इस मंत्र का 1,00,000 आप जप करिए। 1,00,000 के लिए आप एक निश्चित संख्या निर्धारित कर लीजिए। मान लीजिए आप एक दिन में 5,000 मंत्र आप कर लेते हैं, कितना, एक दिन में अगर आप 5,000 कर लेते हैं तो आप 20 दिनों में इस साधना को पूर्ण करने का प्रयास करिए। कितना, 20 दिनों में आप 5,000 अगर एक दिन करोगे तो 20 दिनों में 1,00,000 पूर्ण हो जाएगा। 1,00,000 मंत्र के बीच ही में आपको अनेक भयावह अनुभव होंगे, जैसे पायल की आवाज़ आना, घुंघरू की आवाज़ आना, आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, आपको कोई जो है डराने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु आपको धैर्यपूर्वक साधना को झेलते जाना है, साधना को करते जाना है, अपने मन को एकाग्र करते जाना है। और जब तक साधना चलेगा तब तक आपको जो ध्यान देने की बात यह है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मन ही मन आपको देवी का स्मरण करना है और ये भाव लाना है कि मुझे यह मंत्र तेजी के साथ सिद्ध हो रहा है, तेजी के साथ ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा आएगा भी आएगा, आप में इतनी ऊर्जा आएगी कि आप लगेगा कि शरीर फटा जा रहा है, मन बेचैनी होने लगेगी। लेकिन अपने मन को शांत करना है, अपने शरीर को अपने काबू में करना है, कंट्रोल में करना है, इसके लिए थोड़ा बहुत एक अभ्यास प्राणायाम इत्यादि वो करते जाना है। 1,00,000 मंत्र पूर्ण होते ही साधक के सामने महेंद्री यक्षिणी प्रकट होगी, शरीर प्रकट होगी और प्रकट होने के बाद वो अपनी सिद्धि साधक को प्रदान करेगी। अपनी सिद्धि जब साधक को दे देगी तो साधक में वो शक्ति आ जाएगी कि वह कुछ भी देख सकता है, सुन सकता है, कहीं भी मनोगति से आ जा सकता है। साथ ही अगर उसे स्वर्गलोक या पाताल लोक साधक को जाना होगा तो यक्षिणी अपने पीठ पर बैठा करके साधक को पाताल लोक की यात्रा कराएगी। क्योंकि जब यक्षिणी चमत्कारी होगी तो उसका साधक में वो गुण अनायास ही आ जाता है, अनायास ही वो गुण साधक में आ जाएगी, तो साधक भी पाताल लोक और स्वर्गलोक की यात्रा करके वहाँ के विषय को समझ सकता है, जान सकता है। आप भी अगर महेंद्री यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, निश्चित ही हम आपको महेंद्री यक्षिणी की साधना करवा देंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए।